चतरा के मयूरहंड प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक कर्मा शाखा द्वारा शिविर आयोजन कर गौ पालन हेतु 54 दुग्ध पालकों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। वहीं शिविर में ईटखोरी एसबीआई शाखा व गोरिया कर्मा शाखा द्वारा 46 दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविर में मयूरहंड, ईटखोरी व गोरिया कर्मा के गौ पालक उपस्थित थे। मुख्य प्रबंधक प्रशांत कुमार ने कहा, गव्य विकास के लिए जो है सो लोन वितरण का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें से तीन बैंक शाखा गोरिया कर्मा, इटखोरी और कर्मा के द्वारा ये किया गया। और इसमें कर्मा ब्रांच से जो है सो 54 किसानों को जो है इसका सुविधा दिया गया। इसमें हमारे बैंक से सीएम क्रेडिट प्रशांत कुमार झा, सीएम डीएसएच मुकुल सर, सीएम क्रेडिट पासवान सर और अन्य सर लोग आए थे, और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसमें हमारे शाखा प्रबंधक श्री अंजन कुमार का भी द्वारा सारा व्यवस्था किया गया। आपका नाम? नीरज इंद्र गुरु। पहले लोग बैंक पहुंचते थे, आज बैंक घर पहुंच रही है। दूध उत्पादकों को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी व मेघा डायरी के संयुक्त प्रयास से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर 100 दूध उत्पादकों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। झारखंड मिल्क फेडरेशन के नीरज मिश्रा ने बताया कि मेघा डायरी 2014 से किसानों के साथ झारखंड में काम कर रही है। झारखंड के 16 जिलों में 22 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आज झारखंड मिल्क फेडरेशन किसानों से 1.25 लाख लीटर दुग्ध संग्रहण कर अपने शहरी उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दुग्ध मुहैया करवा रही है। भविष्य की योजना के तहत झारखंड में दूसरे राज्यों के दूध आपूर्ति पर निर्भरता है, उसे झारखंड के दूध उत्पादकों से पूर्ण करने की योजना है। इस कोरोना काल में बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त हो रही है, उससे दूध उत्पादकों का मवेशियों के प्रति रोजमर्रा का खर्च पूरा करने में सहयोग मिलेगा। इस मौके पर एनडीडीबी से सुरभि पवार, कर्मा शाखा प्रबंधक अंजन कुमार सिंह, इटखोरी शाखा प्रबंधक निरंजन कुमार, गोरिया कर्मा शाखा प्रबंधक मनोज कुमार, फील्ड ऑफिसर नीरज इंद्रनाथ गुरु के अलावा दूध उत्पादक उपस्थित थे।